हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम छवि। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हम मेकअप तो खरीद लेते हैं, लेकिन मेकअप रिमूवर खरीदना कभी कभी भूल जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपना मेकअप रिमूव नहीं करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं हमारे मेकअप में। जो भी चीजें हम यूज करते हैं, वेदर इट इज फाउंडेशन, इट इज कंसीलर और हाइलाइटर्स और एनी काइंड ऑफ आई शेडोज, इनमें केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं, एंड इसे हमें रिमूव करके सोना चाहिए। तो उसे रिमूव करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल सा प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो कि डेफिनेटली आप सुनकर बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। अंडर 100 रुपीज में ये आपको मिल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसे 2 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके सेकेंड बॉटल में यूज कर रही हूँ अभी, जो कि है ये अयूर का क्लिनजिंग मिल्क। आप देख सकते हैं मैंने इसका क्या हाल कर रखा है कि इसका प्रिंटिंग भी जो है वो मिट चुका है। तो मैं कितना इसे यूज करती हूँ, मैं डेली इसे यूज करती हूँ। मैं इसे रात को अपना मेकअप रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना CTM करती हूँ, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर आप मेकअप कर लेते हैं और आपकी स्किन में फ्लॉज हैं तो मेकअप उतना उभर के नहीं आता है। आपको अपनी स्किन की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितना आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उतने ही आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को ग्लोइंग और स्मूथ एंड सिल्की ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी स्किन केयर के भी, क्योंकि मेरा चैनल ही इसी बारे में है, मेकअप एंड स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा आपको लेना है मटर के दाने जितना आपको कॉटन पर लेना होता है इसे, और अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर देना होता है। मैं आपको वो भी बताऊंगी आपको कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है अयूर का हर्बल डीप पोर क्लेंजिंग मिल्क विद एलोवेरा फॉर ऑल स्किन टाइप्स एक्स्ट्रा क्लीनिंग, एंड इसका नेट कॉन्टेंट है, यानी कि इसकी क्वांटिटी है 100 ml, एंड pH बैलेंस है हर्बल कलेक्शन। और सीरियसली, जब भी मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ ना, उसके बाद मेरे फेस पर एक ग्लो दिखता है, क्योंकि ये मेरे फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। मेरी सारी फाउंडेशन जो भी मेरे फेस पर अप्लाई होता है सब बहुत अच्छे से निकल जाता है, इवन कि मैं अपना लिप कलर भी इसी से रिमूव कर देती हूँ फेस को धोने से पहले। तो ये मेरे लिप्स को बहुत ही, एक तो मॉइस्चराइजिंग, ये लिटिल बिट मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, तो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं आपके लिप्स और आपकी स्किन पर ग्लो आ जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक्सपेंसिव मेकअप रिमूवर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। तो जरूर एक बार यूज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके बारे में आपको कुछ भी और पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका रेट अंडर 100 ही है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं भूल चुकी हूं। तो डेफिनेटली अगर मैं इसके बारे में सर्च करूंगी एंड अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन जरूर कर दूंगी। अमेजोन पे इसका रेट काफी वेरी कर रहा था, मुझे ये 45 टू लेकर 200 समथिंग में भी दिखा, तो मैं शॉर्टी से कुछ भी एक फिगर नहीं लिखना चाहती हूँ। मैं डेफिनेटली आपको मेंशन जरूर कर दूंगी कि ये प्रोडक्ट इतने का, लेकिन अंडर 100 ही है इतना मुझे पता है। तो आपको इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग रहे, एंड जो मेरा फर्ज है मैं इसीलिए यहां बैठती हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी स्किन केयर आप कैसे कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है, छोटा सा एक कॉटन बॉल लेना है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ इसलिए मैं छोटा सा ले रही हूँ, आप बड़ा ले सकते हैं क्योंकि फेस पे काफी मेकअप होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा लेना है लाइक दिस, ये इतना मैंने ले लिया कॉटन के ऊपर, एंड इससे मैं अपना लिप कलर आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरा लिप कलर रिमूव हो चुका है। आप अपना लिप कलर पुट ऑन करके कभी मत सोइएगा, क्योंकि आपके लिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे।
तो पहले इस तरह से कुछ आप हनुमान जी बन जाएंगे जब भी आप अपना जो लिपस्टिक कलर है वो रिमूव करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको अपने फेस पर भी इसको ही थोड़ा सा ले लेना है एंड अपना सारा मेकअप जो है वो इस तरह से रिमूव करना है। एंड आपको डाउनवर्ड्स करना है, अपवर्ड्स कभी नहीं करना है, आपके पोज में चला जाएगा नहीं तो आपका मेकअप। आपको हमेशा डाउनवर्ड्स इसे इस तरह से रिमूव करना है, यहाँ से आपको इस तरह से रिमूव करना है, इस तरह से आईज के ऊपर से इस तरह से आई शेडो उतारना है एंड फोरहेड पे भी आपको डाउनवर्ड्स इस तरह से उतारना है। तो इसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं, देन आपको अपना टोनर यूज करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं एंड लास्ट में आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकती हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आपको इस तरह से अपना मेकअप जो है वो रिमूव करके सोना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।